सलाम मेरे अजीज़ों, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशो आबाद होंगे, खुशो खुर्रम होंगे। मैंने अपने रिसेंट व्लॉग में बताया था कि हम शादी वाले घर से निकलकर जा रहे हैं चाचू के घर, तो हम पहुँच चुके हैं मेरे चाचू के घर। तो आपको भी दिखाते हैं वहाँ का समा, वहाँ का माहौल और मेरे चाचू का घर, और आपको भी दिखाते हैं कि एक गाँव में एक देसी घर की डेली रूटीन क्या होती है। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर इंतजार किस चीज का, चलिए लेट्स गो। कैसा लगा आपको मेरे चाचू का घर, क्यूट है ना? और इतना पीसफुल माहौल मैंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखा है जितना वहाँ पर था। ये हम आए थे बाहर, और अब मैं दिखाती हूँ मेरे चाचू के घर के बाहर का माहौल, मतलब बाहर का मंजर। बहुत घूम लिया, बहुत हो गया सैर सपाटा, अब लगी है जोरों की भूख। और जब हूँ सामने दाल चावल तो भूख तो भाई दोबाला हो जाती है, और दोबाला भूख में अगर मिल जाए अचार तो वेट किस चीज़ का, भाई मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी। अब करते हैं सुकून से अपना खाना इंजॉय। बारी है रूम टूर की। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सादा लेकिन निहायत ही प्यारा सा कमरा, कि वहाँ पर छोटी छोटी स्टफ से रूम को इतनी खूबसूरती और सलीके से डेकोरेट किया जाता है। जस्ट हैव अ लुक।
हो गई सुबह। ये गांव में ना गांव वालों की एक तो बहुत मौज होती है, उन्हें सर्दियों गर्मियों में पूरा सूरज देखने को मिलता है। अब करते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगेन बैक टू देसी स्टफ।